हाँ जी, सब भाई कैसे हैं? भाई रोज की तरह आपके लिए फिर एक नया वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, ये टाटा का रेडिएटर है, टीसी का 3122 वाला, 31 इंच वाला। इसका पाइप जो है लीकेज है पाइप के लास्ट तक, लास्ट में लीकेज है जाके, बैक साइड है ये वाली और ये फ्रंट वाली साइड है। ये तीन चार जगह से लीकेज है, फ्रंट वाली जगह में, दो जगह में लीकेज है। फ्रंट वाला साइड है, एक तो ये लीक दिख रहा है, एक वो थोड़ा साइड में दिख रहा है, वो बाद में दिखाएंगे। पहले हम दो लीकेज रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक ये छोटा है, एक साथ में और है ये छोटा। पहले हम बैक वाला जो बड़ा वाला लीकेज है, जो मैंने जाली हटा रखा है वहाँ से बैक साइड में, ये वाला ये बहुत ही पीछे लीकेज है, काफ़ी अंदर करके है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है उसका भी ऐसे था, तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसा लीकेज हो तो आगे से वेल्डिंग करना स्टार्ट नहीं करना है। वेल्डिंग को आपने यहाँ पे सुरागे, ठीक है, तो वहाँ से पीछे से वेल्डिंग को आगे की तरफ लेके आना है। चाहे आपका पाइप आगे से फट जाए, लेकिन आपने पीछे से वेल्डिंग स्टार्ट करना है। ये देखिए, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, ये रोड है और साथ में जो आपने डिब्बी देखी उसमें फ्लैक्स पड़ा है। ये देखिए, रोड के साथ में फ्लैक्स लगा के वेल्डिंग कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो टॉर्च की हीटिंग आप देख ले कितना है, ये LPG और ऑक्सीजन है। अगर आपने ऐसा लीकेज बनाना है कार्बेट और ऑक्सीजन के ऊपर तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है जी। तो देखिए, हमने पीछे से वेल्डिंग करना स्टार्ट किया है, अभी हम इसको आगे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है ना। हीटिंग आप देख लो कितना है, और रोड को बार बार फ्लैक्स लगा के हम वेल्डिंग कर रहे हैं। ये देखिए, हीटिंग अप डाउन अप डाउन, हीटिंग कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। हीटिंग कंट्रोल भी करना पड़ता है बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि एक ही सेटिंग में है तो उसी में करना पड़ता है। लाइट को हटाना भी पड़ता है थोड़ा, जब माल पिघल रहा है पानी की तरह चल रहा है तो थोड़ा लाइट को हटाना भी पड़ता है और सब देखना पड़ता है। हीटिंग कंट्रोल में भी रहना चाहिए, ये आपको करने के टाइम में खुद एक्सपीरियंस जब आप करोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। बाकी आपको पता है सबको कि फ्लैक्स और रोड चाहिए हो तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे और भी वीडियो है बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, रेडिएटर बनाते हुए ऐसे वाले बड़े रेडिएटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर, एसी के पाइप, कंडेंसर, सब वीडियो आप जाके देख सकते हो। पिछला लीक जो बैक साइड का था वो रिपेयर हो गया, अभी फ्रंट साइड का ये लीकेज है, ठीक है जी। और तीन पाइप छोड़ के एक दो पाइप दो तीन पाइप छोड़ के एक और पाइप लेके जो वो बाद में बनाएंगे, पहले हम दो पाइप बनाएंगे यही वाले। देख लिए रोड और फ्लैक्स कैसे चल रहा है, बिल्कुल शोल्डरिंग की तरह वर्क कर रहा है, देख सकते हो आप। ये फ्रंट में ही लीकेज था, बाहर ही था लीकेज, ये ज़्यादा अंदर लीकेज नहीं था। ये इजी काम है, इतना मुश्किल वाला ये कुछ नहीं है, तो ये आप आराम से कर सकते हो। रोड और फ्लैक्स ले सकते हो मेरे से, आराम से कर सकते हो। ये हमने वो पानी मार दिया इसके ऊपर, फ्लैक्स जो है हट जाए। कई बहुत सारा को होता है कि गर्म गर्म के ऊपर पानी मारना, आप मार सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, बस फ्लैक्स हट जाता है। गर्म गर्म के ऊपर पानी मारना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, कुछ भी मेरे से हेल्प चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझना चाहता है, काम स्टार्ट करना है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। बहुत सारी वीडियो में मेरा नंबर, इस वीडियो में भी नंबर ऐड कर दूंगा, डिस्प्ले पे ऊपर शो हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने लीकेज जो बैक साइड वाला बनाया था, जो अंदर लीकेज था, तो दिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो टेस्टिंग के टाइम में थोड़ा दिखा दूंगा। ये देखिए, अंदर तक वेल्डिंग किया हुआ, अभी हम इसको टेस्टिंग भी करेंगे। ये देखिए, टेस्टिंग का प्रेशर भी बता दूंगा आपको है इसमें। ये देखिए, ये दूसरा फ्रंट वाली साइड से लीकेज आ रहा है, वो हम बाद में बनाएंगे उसको। ये आप लीकेज चेक कर लीजिए, जो अंदर से पाइप लीकेज था ये हो गया, और ये देखिए फिटिंग लीकेज आ रही है, प्रेशर है रेडिएटर के अंदर, ठीक है जी। ये देखिए, यहाँ से भी फिटिंग लीकेज है, फ्रंट वाला प्रेशर है अंदर, ठीक है ना, रेडिएटर के अंदर प्रेशर है। आप वेल्डिंग चेक कर सकते हो, वेल्डिंग बिल्कुल एकदम सही है ये वाला। और आगे का जो फ्रंट वाला वेल्डिंग एक रह गया था वो बनाएंगे, अभी ये फ्रंट वाला वेल्डिंग किया था ये, ठीक है, और एक और था वो बनाएंगे अभी, छोटा सा लीकेज है वो भी। ये देख सकते हो, आपको शायद दिख रहा होगा छोटा सा लीकेज, तो हम इसको फिन थोड़ा सा निकाल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर से, तो आपको इजी होगा देखने में।
और एक छोटा प्लेट में भी लेके वो भी बना लेंगे। मेन काम था आपको दिखाना कि जो पाइप अंदर से लीकेज होता है वो कैसे बनाते हैं, तो वो मैंने आपको दिखा दिया पूरा वीडियो में, ठीक है जी। ये छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं। ये देखिए यहाँ से लीकेज है छोटा सा, ये तो बाहर ही है, आराम से वेल्डिंग कर देंगे इसको। ये देखिए ये छोटा सा लीकेज है, ये बाहर ही ऊपर ही है, ये ज़्यादा अंदर नहीं है। और ये वाला जो हमने वेल्डिंग किया था ये आप चेक टेस्टिंग कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही ठीक है। और ये जो अभी आया था लीकेज छोटा सा वो बना रहे, देखिए वेल्डिंग कैसे हो रहा है। रॉड के साथ फ्लेक्स लगा लिया हमने, हीटिंग दिया थोड़ा सा और रॉड को थोड़ा सा पिघलाया, ज़्यादा रोड नहीं देना, फ्लेक्स लगा के फिर रोड देना। ये नहीं कि आप एक ही बार में रोड देते जाओ को सोचो कि अच्छा से वेल्डिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रोड पिघलाने के बाद में फिर फ्लेक्स दीजिए, फ्लेक्स से मेंटेन कीजिए। जैसे हम ब्रास का रेडिएटर करते हैं एसिड लगा के, जिस्त वाला एसिड लगाते हैं ज़्यादा तो फिनिशिंग आता है, तो ऐसा ये सेम सिस्टम होता है। इसके साथ फ्लेक्स अच्छे से लगाना पड़ता है। ये देखिए वेल्डिंग हो गया। अभी हम आपको ये टेस्टिंग करवा देते हैं। आपने देखा जो लीकेज अंदर था वो भी एक ही मिनट में हो गया, इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। इतना अंदर था लीकेज तो बहुत ही सारे कर नहीं पाते, बहुत सारे भाई, तो इतना मुश्किल नहीं होता। बस हाथ का सेटिंग है और मटेरियल अच्छा होना चाहिए, फ्लेक्स अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए और थोड़ा सा हाथ का सेटिंग है। आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी डिटेल आराम से बैठ के बताऊँगा कि कैसे इसको हीटिंग देते हैं और कैसे राड चलाते हैं, क्या सिस्टम रहते हैं, हर चीज़ का आपको बताऊंगा। ये प्लेट में छोटा सा लीकेज ये लगा देंगे, ठीक है। ये देख रहे हो प्लेट में जड़ में,